नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अमित भारती सुश्रुत आयुर्वेद दर्शन में एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एवियन के केस में जो है, अगर कोई आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट चलाता है तो उसमें मैक्सिमम कितना खर्चा आता है। आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट को समझने से पहले कि आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट में कितना खर्चा आएगा, ये चीज़ समझने से पहले थोड़ा सा जनरल आइडिया दे देते हैं कि एलोपैथिक ट्रीटमेंट में एवियन के केस में कितना खर्चा आता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए, एवियन के केस में एलोपैथी में तो एज ए मेडिसिन कोई ट्रीटमेंट नहीं दिया जाता। मैं कई बार अपनी वीडियोस के माध्यम से बता चुका हूँ, सीधे सर्जरी के लिए बोल देते हैं, मैक्सिमम एवियन पेशेंट को पता है। और सर्जरी में भी क्या है, अगर आप छोटी सी छोटी सर्जरी करवाते हो तो उसमें कम से कम 1 लाख का खर्चा आता है। हिप रिप्लेसमेंट हो गया तो 1 से 1.5 लाख का कम से कम खर्चा बता रहा हूँ, अगर आप लोअर क्वालिटी का जॉइंट लगवाते हैं तो। और अगर आप अच्छी क्वालिटी का जॉइंट्स लगवाना चाहते हो तो उसमें कम से कम 3.5 लाख का खर्चा आएगा। मैं अपनी वीडियोज़ के माध्यम से ये भी कई बार बता चुका हूँ। तो सर्जरी करवाने के बाद ठीक होने की कितनी गारंटी है, वो सिर्फ उनको पता है जिन्होंने सर्जरी करवाई है। मैं अपनी वीडियोस के माध्यम से ये भी कई बार बता चुका हूँ कि जिन्होंने सर्जरी करवा दी है वो पेशेंट मेरे पे लगातार मैसेजेस करते हैं कि हमें ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं, अब जिस कारण के लिए हमने सर्जरी करवाई थी ना, वो कारण भी फुलफिल नहीं हो पाया, तो सर्जरी का क्या फ़ायदा, अब हम क्या करें, तो वो भी परेशान है। अब देखिए, एलोपैथी में जब आप सर्जरी करवा दोगे ना तो इंस्टेंट आप चलना फिरना शुरू नहीं कर लोगे। 3.5 लाख लगाने के बाद भी, अच्छा अगर आप जॉइंट लगाते हो तो 3.5 लाख खर्चा आता है, तो उसे लगाने के बाद भी आप सीधा चल फिर नहीं सकते। उसमें भी कुछ महीने के लिए रिस्ट्रिक्शन हो सकती हैं, है ना, कई सर्जरीज में 10-15 दिन की मिनिमम रिस्ट्रिक्शन तो रहती है कि जब तक मेडिसिन वगैरह चला रहे हो आप तब तक ये चीज़ें आपको नहीं करनी है। उसके बाद जब प्रॉपर मूवमेंट नहीं आती है तो सर्जन की ना वहाँ से पूरी जिम्मेवारी ख़त्म, उनने सर्जरी करवा दी उसके बाद वो रेफ़र कर देते हैं आपको फिजियोथेरेपिस्ट के पास। अब सारी बात आ गई फिजियोथेरेपिस्ट पे। अब फिजियोथेरेपिस्ट आपको जिस हिसाब से ट्रीट करेगा आप उस हिसाब से ठीक होंगे या नहीं होंगे वो डिसाइड करेगा उनके ट्रीटमेंट पे। अब देखिए, मेन चीज़ ये है कि क्या सर्जरी करवाने के बाद फिजियोथेरेपिस्ट भी रिकवर कर सकता है, तो इसके भी 50% चांसेस हैं। हर पेशेंट रिकवर नहीं होता है सर्जरी के बाद भी, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, वो पेशेंट बोल रहे हैं कि जिन्होंने सर्जरी करवा दी है और उनको कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। सिर्फ सक्सेसफुल रेट नहीं देखा जाता किसी भी ट्रीटमेंट का, वो फेलियर कितने हैं उस ट्रीटमेंट में वो चीज़ भी देखी जाती है। कई सारे पेशेंट हैं, तो अगर आप अच्छा जॉइंट लगवाते हो तो 3.5 लाख के समथिंग तो ये खर्चा हुआ, फिजियोथेरेपिस्ट के पास भी 50 से 60 हज़ार का खर्चा वहाँ से आ गया, और जो मेडिसिन का लगा और रहने खाने का लगा वो उसका अलग से चार्जेस है ना। अगर आप दूर से सर्जरी करवाने जाते हो तो मोटा मोटा ये मिनिमम 4 लाख के करीब बैठता है, मोटा मोटा बता रहा हूँ। अब देखिए, आयुर्वेद में कितना खर्चा आता है एवियन के केस में और सक्सेसफुल होने के रेट कितने हैं। अगर कोई आयुर्वेदिक डॉक्टर्स 4 ट्रीटमेंट चला रहा है और उसके साथ एक्सरसाइज जोड़ रहा है तो पेशेंट को 110% आराम आना शुरू हो जाएगा, और एक टाइम पीरियड के बाद जो है अस्थि मज्जागत वात विकार जो है वो सप्रेस हो जाएगा और पेशेंट चलना फिरना शुरू कर सकता है फिर से। कुल मिलाकर बोलने का मतलब ये है कि पेशेंट अपनी पुरानी वाली लाइफ में कंफर्टेबल जोन में वापस आ सकता है। अब उसमें खर्चा क्या है और ट्रीटमेंट क्या है, सबसे पहले बाह्य ट्रीटमेंट की बात करते हैं। बाह्य ट्रीटमेंट में स्नेहन और स्वेदन ये तो मस्ट है, हर आयुर्वेदिक डॉक्टर करता है एवियन के केस में। और लेप लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। 2 ट्रीटमेंट हो गए, स्नेहन स्वेदन अलग अलग ट्रीटमेंट नहीं है, एक दूसरे के पार्ट हैं वो, है ना। तो स्नेहन स्वेदन 1 ट्रीटमेंट, लेप 2 ट्रीटमेंट, उसके अलावा इंटरनल मेडिसिन 3रा ट्रीटमेंट हो गया, रक्तमोक्षण और एक बस्ती ट्रीटमेंट। रक्तमोक्षण और बस्ती ट्रीटमेंट भी बहुत ज़्यादा मस्ट है। अब बस्ती ट्रीटमेंट में क्या, पंचतिक्त द्रव्यों की वस्ती डालना बहुत ज़्यादा जरूरी है, मैं कई बार बता चुका हूँ। उसके अलावा पंचतिक्त द्रव्यों के वस्ती के साथ साथ मांस रस की वस्ती चलाना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, अगर आपने पेशेंट की कार्टिलेज को फटाफट रिजनरेट करना है तो। कुल मिला के अगर ये 4 ट्रीटमेंट और उसके बीच जो है एक्सरसाइज का बहुत ही ज़्यादा रोल है, एक्सरसाइज ही मूवमेंट वापस लाएगी, एक्सरसाइज ही दोबारा उस एरिया में जो फ्यूज हो रखी है जो बोन उसमें मूवमेंट लाने की कोशिश करेगी और बाद में अपनी जगह बना के फिर प्रॉपर मूवमेंट में लाएगी। एक्सरसाइज ही एकमात्र ऑप्शन ये है। अब देखिए, अस्थि मज्जागत वात विकार वस्ती के माध्यम से और रक्तमोक्षण के माध्यम से इन 3-4 ट्रीटमेंट्स के माध्यम से ठीक होने वाला है, तो जब अस्थि और मज्जा के अंदर जो वात घुसी हुई है वो बाहर आ गई, धीरे धीरे बाहर आना शुरू हो गई, उसके बाद बिल्कुल सप्रेस होगी, नॉर्मल स्टेज में आ गई वात, तो किस बात का एवियन, एवियस्कुलर नेक्रोसिस वहीं पे ख़त्म,
इतना छोटा सा प्रोसीजर है, सर्जरी करवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी इसमें। इतना आसान तरीके से मैंने आपको समझा दिया। एवैस्कुलर नेक्रोसिस नाम की कोई चीज़ है नहीं आयुर्वेद में। आयुर्वेद में अस्थि मज्जागत वात विकार इसे बोलते हैं, और वात की सिंपल चिकित्सा होती है बस्ती, नॉर्मल ट्रीटमेंट। बहुत अच्छा रिजल्ट है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा रिजल्ट। कई पेशेंट्स को हमने इसका फ़ायदा दिया है। और कॉस्ट कितना आती है देखिए, 4.5 लाख नहीं आने वाली कॉस्ट। अगर अच्छा से अच्छे ट्रीटमेंट सेंटर में भी अगर आप आयुर्वेद का ट्रीटमेंट लेते हैं और ये 4-5 ट्रीटमेंट आपके चल रहे हैं एक्सरसाइज के साथ, तो एवियन के केस में आपकी सर्जरी बचने वाली है, आपको सर्जरी के लिए नहीं जाना। उसकी कॉस्ट मिनिमम से मिनिमम कोई आयुर्वेदिक डॉक्टर अगर करना चाहे तो 30,000 से 40,000 के बीच में एक महीने का ट्रीटमेंट आराम से हो सकता है, बहुत अच्छे तरीके से, बहुत आराम से हो सकता है। लेने के लिए तो 1.5 लाख भी कम है, लेकिन अगर मिनिमम कॉस्ट एक तय की जाए कि भाई उसमें हर चीज़ का काम चल जाए, मेडिसिन का भी खर्चा जुड़ जाए, हर एक चीज़ हो जाए, तो लगभग 30,000 से 40,000 सफिशेंट है। और एक मंथ का ट्रीटमेंट अगर ग्रेड 1 वाले ने शुरू करवा दिया, बहुत अच्छा ट्रीटमेंट कराया, प्रॉपर एक्सरसाइज के साथ करवाया, तो 110% एक महीने में ठीक हो जाता है। तो दोस्तों, आपको इस वीडियो के माध्यम से ये पता चल चुका होगा कि एवैस्कुलर नेक्रोसिस में यानी कि अस्थि मज्जागत वात विकार में कितना खर्चा आता है एलोपैथी में, यानी कि जो कि 3 से 4 लाख के बीच बीच में आएगा मैक्सिमम, इंक्लूड फिजियोथेरेपी ऑल्सो। उसके अलावा आयुर्वेद में कितना खर्चा आता है पर मंथ का, 30,000 से 40,000 मैक्सिमम है ये। और लगभग आप ये समझ लो 50,000 से 60,000 में पैकेज बन सकता है 2 मंथ के ट्रीटमेंट का, पर बशर्ते ट्रीटमेंट अच्छा होना चाहिए। 4 ट्रीटमेंट होने ही होने चाहिए, 5वां एक्सरसाइज होनी ही होनी चाहिए। मैं कई बार वीडियोस के माध्यम से बता चुका हूँ। अब देखिए, कई डॉक्टर्स ये बोल रहे हैं कि बॉस यही जो ट्रीटमेंट है क्यों सेलेक्ट किए गए हैं, क्योंकि इन्हीं ट्रीटमेंट के माध्यम से जब पेशेंट को रिलीफ मिल रहा है और पेशेंट को हम रिजल्ट दे चुके हैं, तो फालतू चीज़ों में टाइम वेस्ट क्यों करना, फटाफट ये चीज़ करो, अपने पेशेंट को रिजल्ट दो। तो आई होप इस वीडियो के माध्यम से आपको पता चल चुका होगा कि एवैस्कुलर नेक्रोसिस में खर्चा कितना आता है ट्रीटमेंट में आयुर्वेदा में, और खर्चा कितना आता है एलोपैथी में। तो मिलते रहेंगे आपको इसी टाइप की इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, आयुर्वेद को अपनाइए, जीवन को अपनाइए। नमस्कार।